तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ नफरत की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में आकर विशेष राज्य के दर्जे पर बोलना चाहिए था। गरीबी, महंगाई, रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा। वहीं तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का काम देश में नफरत फैलाना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी का सफाया हो गया है और कल वह झारखंड गए थे और वहां भी बीजेपी का सफाया करके आए हैं। 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। आगे तेजस्वी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के विरुद्ध हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा है कि अब आगे कोर्ट तय करेगी आगे क्या करना है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी के पास खोने के लिए क्या है, जिनके पास खोने के लिए है वो सोचे। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को लेकर यह भी कहा कि आरजेडी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उनको जो बोलना है वह बोले। लोग जान रहे हैं, जनता जो है जागरूक है, जनता समझदार है। हमको इस विषय पे कुछ नहीं कहना। प्रधानमंत्री जी अब तक चार फेज के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन नौकरी के बारे में आज तक नहीं बात की। बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में एक शब्द तक जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। बिहार के बारे में कुछ कहा हो कि अगले 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, तो वो बता दीजिए। ना बिहार के लिए कुछ कहा, ना बिहार को विशेष राज्य दर्जे के लिए कुछ कहा, तो कुछ कहा ही नहीं प्रधानमंत्री जी। कहा क्या, केवल नफरत की भाषा और क्या। चुनाव चल रहा है और जिस तरह से कल आपने बयान दिया था, देखिए हम तो पहले से कह रहे हैं बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी की बाप है। ये भाजपा के लोग जो है इनको काम से मतलब नहीं है, इनको केवल जो है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही काम है। बिहार से इनका पूरी तरीके से अब सफाया हो गया है। कल हम झारखंड में भी 5-5 सभाएं करके आए हैं। झारखंड में भी बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड बिहार अगर साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। झारखंड के बाद आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? चुनाव के दौरान छापा पड़ता है, जांच होती है, उसका अरेस्टिंग हो जाता है। देखिए अभी सब तो हो ही रहा है, जो हो रहा है अब तो कोर्ट जो है वो तय करेगा कि क्या है नहीं। मुख्यमंत्री काफी असहज है, जैसे हाथ में कमल लिए हुए हैं रोड शो में, बॉडी लैंग्वेज भी असहज नहीं दिखा है। छोड़िए, हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं 4 जून के बाद आरजेडी के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा छोड़िए ना, उन लोग का कोई मतलब है, वो होंगे कि हम होंगे, ये तो 4 जून ना बताएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है ना, हमारे आसपास, हमारे पास खोने के लिए क्या है, हमारे पास खोने के लिए क्या है जरा बता दे। जिनके पास खोने को है वो ना चिंता करें। खैर हम लोगों ने तो उनको बनाया मंत्री विधायक, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो लोग नकारात्मक लोग हैं, इसी तरह के बात करते हैं।